एक दिन राज दरबार में महाराज की जय हो। श्रेष्ठ मुनिवर विश्वामित्र राजमहल पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र और राजमहल में आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत करो। प्रणाम मुनिवर, आपका स्वागत है। आपके चरण स्पर्श से अयोध्या नगरी पावन हो गई। मुनिवर, मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आपका सेवक हूं। मैं आपकी हर आज्ञा का निस्संदेह पालन करूंगा। दशरथ, मुझे पूर्ण विश्वास है राजन कि तुम रघुकुल की परंपरा के अनुसार वचन निभाओगे। मुनिवर, आप बिना संकोच आज्ञा कीजिए। राजन, मैं विश्व शांति के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन दानव उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मांस और हड्डियां फेंक कर वे पवित्र यज्ञ को भ्रष्ट कर रहे हैं। इन दानवों का नाश करने के लिए मुझे तुम्हारे पुत्र राम की सहायता चाहिए। क्या? मेरा पुत्र राम? मुनिवर, राम तो अभी बालक है, ना ही उसे युद्ध का ज्ञान है और ना ही अनुभव। दानवों के नाश के लिए वो अभी सक्षम नहीं है। मैं अपनी पूरी सेना समेत आपके साथ चलता हूँ, लेकिन राम का विचार छोड़ दीजिए। व्यर्थ विलाप ना करो दशरथ। मैंने तुमसे सिर्फ राम की मांग की है, पर तुम अपना वचन नहीं निभा रहे हो। इस वंश के इतिहास में पहली बार किसी राजा ने अपना वचन तोड़ा है। अब मैं समझ गया, अयोध्या में अब सत्य वचन के लिए कोई जगह नहीं रही। शांत हो जाइए मुनिवर, राजा दशरथ के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जरा रुकिए। महाराज, आप राम की योग्यता से अनभिज्ञ हैं, लेकिन मुनिवर विश्वामित्र उसे अच्छी तरह से जानते हैं। राम एक साहसी योद्धा है और किसी भी शत्रु का सामना कर सकता है। स्वयं विश्वामित्र ज्ञानी है। चिंता न कीजिए महाराज, उनके हाथों में राम सुरक्षित है। आप अपना वचन निभाइए, राम को जाने दीजिए, फिर ये सारा संसार जान लेगा कि वो कौन है। क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं बड़ी खुशी से राम को आपके साथ भेजता हूँ। धन्यवाद राजन, मैं तुम्हारे निर्णय से प्रसन्न हुआ। किंतु? लेकिन क्या? बिना संकोच कहो जो कहना है राजन। लक्ष्मण के बिना मेरा राम बहुत अकेला हो जाएगा। कृपया आप दोनों को अपने साथ ले जाइए।